मिशन आरोग्य संजीवनी हेतु हम लोग कार्यक्रम पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में चल रहा है विद्यार्थी परिषद के द्वारा। कारण कोरोना महामारी में विद्यार्थी परिषद के लोग ऑक्सीजन। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरिया बरियारपुर प्रखंड इकाई के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में MS कॉलेज मंदसौर में वृक्षारोपण बृहद पैमाने पर किया गया। इस मौके पर ABBP बेगूसराय समस्तीपुर विभाग के संयोजक कन्हैया कुमार ने कहा कि लगातार अनुमंडल के विभिन्न कॉलेज स्कूल एवं बिहार के कोने कोने में सभी कैंपस में विद्यार्थी परिषद के द्वारा कॉलेज स्कूल के प्रशासनिक पदाधिकारी के सहयोग लेते हुए लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे समाज के अंदर स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा नागरिक ले पाए। इसे लेकर मिशन आरोग्य संजीवनी के साथ विद्यार्थी परिषद हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत में सभी मोहल्लों में जाकर अपने अपने कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर वृक्षारोपण कर रहे हैं। इस मौके पर MS कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव नयन एवं प्रोफेसर मोहन सिंह ने कहा कि आज हमारे इस देश के अंदर कोरोना वायरस को लेकर आम नागरिकों को जितनी परेशानी हुई है इसकी हम सभी कल्पना नहीं कर सकते थे। आज हम सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आना चाहिए और इस तरह का आरोग्य संजीवनी जैसे कार्यक्रम को वृहद रूप से करना चाहिए। इस मौके पर प्रखंड सह संयोजक रोशन कुमार, केशव कुमार, राजेश कुमार, शंभु कुमार, प्रोफेसर नीरज कुमार, अमित कुमार, शहर सिंह, योगेंद्र पंडित, रोशन कुमार, गोपाल कुमार, संजय भारती, रामलीला चौधरी, चंद्र कुमार, शाश्वत प्रकाश सहित प्रयासरत रहे, मगर उससे ज्यादा प्रयासरत अभी हम लोग का पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पौधे लगाकर मेरा टारगेट है बेगूसराय जिला के अंदर 30,000 पौधे लगाने का, जिसमें आज मंझौल अनुमंडल के अंतर्गत MS कॉलेज मंझौल में सैकड़ों वृक्ष लगा रहे हैं। लगातार यह अभियान जारी रहेगा। ऐसे 9 जुलाई से 15 जुलाई तक हम लोग का यह अभियान का कार्यक्रम फिक्स था, मगर हमको लगता है यह वृक्ष लगाने में कोई टाइम बॉन्डेज नहीं है। हम लोग 15 जुलाई तक वृहद पैमाने पर लगा रहे हैं, लगाएंगे, उसके बाद सारे वृक्ष को देखभाल भी करते रहें। क्वालिटी प्रशासन भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। यह वृक्ष लगाने से आने वाले समय में किसी महामारी में ऑक्सीजन लेने में काफ़ी हम नागरिकों को आसान होगा और इस तरह की महामारी से बचाव के लिए यह वृक्ष काफी फायदेमंद होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।